प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी का ये 14 महीने में तेलंगाना का 5वां दौरा है। इसके साथ ही उन्होंने एम्स और 5 नेशनल हाईवे समेत 11,300 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास कर हैदराबाद के परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित भी किया। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। इससे पहले हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गैर हाजिर रहे। केसीआर ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर पीएम के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की बात कही। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्य को वंदे भारत ट्रेन, एम्स बीबी नगर और 5 नेशनल हाईवे की सौगात दी है। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। आज किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके तीन मतलब सत्य थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं, वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर
बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए। और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं, बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया।